हेलो दोस्तों, ट्राई टेक्नो यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक मिनी 2-in-1 ड्रिल मशीन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसको बनाने के लिए हमारे जो साइकिल में वाल्व लगा रहता है, हमने उसका प्रयोग किया है वाल्व की पूरी बॉडी का। तो जो हमारा खाली पिन होता है उसकी रिफिल ले करके हम इस मोटर के शाफ्ट में फिक्स कर देंगे, ताकि जो हमारा मोटर का शाफ्ट है वो हमारे इस वाल में टाइटली फिक्स हो जाए, ताकि हमारा ड्रिल चक है आसानी से बन सके। तो हमने यहाँ पर एक पेन का ढक्कन कैप लिया है, उसको भी अपने इस ड्रिल चक में फिक्स कर देंगे। और हमारा ये रहा ड्रिल बिट, इसको भी इसमें फिक्स कर देंगे। तो हमारा ड्रिल मशीन पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन आप लोग मैं बता दूँ कि हमारा कहीं पर छेद नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा मोटर जो है बहुत ही कम पावरफुल और बहुत ही कम पावर पर चल रहा है, इसलिए हमारा कहीं पर छेद नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारा ड्रिल चक है बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब हम लोग इसको कटर मशीन बनाएंगे, तो उसके लिए हमने इसका जो है ड्रिल बिट है इसको निकाल दिया है। तो हमारा स्टेप ये हो चुका है, और हमने यहाँ पर एक दो नट लिए हैं जो कि इसी हमारे वाल्व के हैं, तो इसमें इसको फिक्स कर देंगे एक नट को। और हमने यहाँ पर एक ब्लेड कटर टाइप का बनाया है, इसको हमने पूरी तरीके से टीन का नसा से बनाया है, और इसमें एक होल भी इस वाल्व के अनुसार कर दिया है, इसको भी यहाँ पर फिक्स कर देंगे। और जो दूसरा नट है उससे इसको हम टाइट कर देंगे, ताकि हमारा इधर उधर जाएगा नहीं। तो हमारा ड्रिल कटर भी जो है कि पूरी तरीके से बन चुका है, लेकिन फिर वही बात आती है कि ये भी कहीं भी कुछ कट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोटर जो है हमारा बहुत ही कम पावरफुल है। फिर भी अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देख सकते हैं ये मेरा कुछ भी कट नहीं कर पा रहा है।